हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक और एक डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कस्टर्ड केक की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत ही यूनिक स्टाइल में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को केक भी अच्छा लगता है और कस्टर्ड भी अच्छा लगता है तो ये कॉम्बो आप लोगों के लिए सही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल और 1 कप पिसी हुई शक्कर, और आप शक्कर को अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे जब तक ये दोनों क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। यहाँ पे मैंने इन्हें 1 से 2 मिनट तक लग के फेंटी हूँ और ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ गए। अब मैं इसके ऊपर एक छन्नी रख के उसमें ऐड करूँगी 1.5 कप मैदा, 1 कप और प्लस 1/2 कप मैदा ऐड करूँगी मैं। और मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ नहीं ऐड करे क्योंकि मेरी छन्नी में जगह नहीं थी। फिर मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर 50 ग्राम या तो फिर 1/2 कप, और उसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अगर आप लोगों की छन्नी में थोड़ी और जगह है तो आप लोग ये सब एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। मेरी छन्नी थोड़ी छोटी है तो मैंने अलग अलग ऐड करी हूँ। और अब मैंने यहाँ पे ली हूँ 1 कप दूध, और मैं अब इन्हें ग्रेजुअली ऐड करूँगी, मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ हमें इसे ग्रेजुअली ऐड करना है और फिर मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध पूरा ऐड करी थी, लेकिन बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था फिर भी, तो मैंने 3 से 4 चम्मच कितना दूध और ऐड करी। और अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे और एक बैटर रेडी कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस करीब 3 से 4 ड्रॉप। वनीला एसेंस मैंने इसलिए ऐड करी हूँ ताकि उसकी फ्रेग्रेंस आ जाए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है और इसमें अभी कोई लम्ब्स भी नहीं है, और जो गट्टे रहते हैं ना हमें उसे अच्छे से पूरा फेंट लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे ली हूँ 25 सेंटीमीटर का लोफ केक टिन, उसे मैंने पार्चमेंट पेपर और ऑयल से ग्रीस कर दी थी, और अब हम हमारा उसमें बैटर ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने 175 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को प्रीहीट होने रख दी थी 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे अब हम केक टिन को रैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स रिलीज हो जाए, और अब हम इसे ओवन में बेकिंग के लिए रख देंगे। अब हम इस केक को बेक करेंगे 40 मिनट के लिए। आप लोग 35 मिनट्स के बाद इसे चेक भी कर सकते हो क्योंकि टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है। और जब तक के हम कस्टर्ड मिल्क बना लेते। तो यहाँ पे मैंने ली थी 400 ml दूध, और उसमें मैंने ऐड करी थी टेस्ट के हिसाब से शक्कर, मैंने 3.5 टेबल स्पून ऐड करी थी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हो। और अब हम इसे पका लेंगे, मतलब एक उबाल ला लेंगे क्योंकि हमारा दूध कच्चा है, तो अब हम इसे पहले उबाल ला लेंगे। तो यहाँ पे जब तक के दूध को उबाल आता है जब तक के हम एक दूसरे बोल में 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच कितना दूध, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें 1 टेबल स्पून ही कस्टर्ड पाउडर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारा दूध जो है वो कस्टर्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमें कस्टर्ड नहीं बनाना है, हमें कस्टर्ड मिल्क बनाना है। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाल आ चुका है, तो अब हम हमारा जो कस्टर्ड को मिल्क में डाइल्यूट कर रहे थे उसे ऐड कर देंगे, और उसे मिक्स करते करते हमें ऐड करना है। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, फिर कस्टर्ड हमारा जो कस्टर्ड मिल्क है वो कस्टर्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बस ये मिक्स कर लेंगे और इसे गैस से हटा लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने केक को 40 मिनट बेक करी थी, तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो मैंने केक टेस्टर से चेक करी थी तो केक टेस्टर क्लीन निकला था, तो अभी हमारा केक बेक हो चुका है कम्प्लीटली। अब हम इसे निकाल लेते हैं और एक कूलिंग रैक पे हम इसे रखेंगे ताकि ये जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। और यहाँ पे देखिए केक का लुक कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसी नॉर्मल पाउंड केक भी आप इसे खा सकते हैं कस्टर्ड फ्लेवर का, लेकिन हम थोड़ा सा इसे डेजर्ट टाइप बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ली हूँ एक मिक्सिंग बोल बड़ा, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप से कम, मतलब 3/4 कप के जितनी हमें व्हीपिंग क्रीम लेनी है, और चिल्ड व्हीपिंग क्रीम है यार। और अब हम इसे एक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे स्टिफ पिक्स आने तक। पहले हम स्लो स्पीड पे बीट करेंगे, फिर जैसे जैसे हमारी क्रीम थिक होते जाएंगी हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे। यहाँ
यहाँ पे क्रीम को बीट करते करते 5 मिनट हो गए और इसमें स्टिफ पिक्स बनना रेडी हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमें और बीट नहीं करना है, बस इतना ही बीट करना है। अब हम जब तक के केक डिमोल्ट करते तो जब तक हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए केक भी ठंडा हो चुका है, तो मैं पहले साइड लूज़ कर लेती हूँ, वैसे तो साइड पहले से ही लूज़ थी। तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका नीचे से पार्चमेंट पेपर निकाल देंगे। और इसे पलट के हमारा जो ऊपर का केक का क्रस्ट है ना, उसे हमने निकाल देना है। और आप लोग इसे ऐसे खा भी सकते हो, ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने उसे कट करके वापस से वही केक टिन में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर ली थी। अब हम एक फोक से उसको प्रिक कर लेंगे, मतलब खड्डे कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हमने जो कस्टर्ड मिल्क बनाए थे वो ले लेंगे। और ये कस्टर्ड मिल्क कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है और अब हम इसे केक में डालते जाएंगे। मैं पूरा नहीं ऐड कर रही हूँ, मतलब आधा ऐड करना है, क्योंकि बाद में हम जब सर्व करेंगे तो ये कस्टर्ड मिल्क के साथ ही सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखे डाल दी हूँ और अब हम इसे फ्रिज में सेट होने रख देंगे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे सेट होने रखी थी, वरना हमारा केक ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और अब हम हमारी जो क्रीम बीट करके रखे थे उसे अब हम केक के टॉप पे ऐड करते जाएंगे और उसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से इवन आउट। तो यहाँ पे मैंने क्रीम भी अच्छे से अप्लाई कर दी हो। अब मैंने यहाँ पे ली हूँ चॉप्ड बादाम और पिस्ता। आप लोग कोई और ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। और अब मैं इसे केक के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता ऐड कर दियो। अब हम इसे वापस से फ्रिज में सेट होने रखेंगे। अभी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे, बस 10 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि ये चिल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए ये दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं। और आप लोग को जैसे भी पीस कट करना है आप लोग कर सकते हो, मतलब ज़्यादा बड़ा ज़्यादा मोटा कैसे भी। तो मेरे इसमें शायद से पाँच ही कटे थे, तो मैंने क्योंकि थोड़ा सा मोटा मोटा कट करी थी। और अब हम इसे केक टिन से निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका एक पीस निकाल लियो प्लेट में और ये दिखने में कितना मस्त दिख रहा है। ऐसा लग रहा है हमने बाहर से एक पेस्ट्री लाए, बाहर से जैसी पेस्ट्री लाते हैं वैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो हमारा कस्टर्ड मिल्क मैंने बचा के रखी थी वो साइड में ऐड कर देंगे और कस्टर्ड मिल्क के साथ सर्व करेंगे, तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी इसे ऐसे ही ट्राई करना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। और आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे आप लोग कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।